प्रणाम। मैं आप सभी से कोरोना वायरस के संदर्भ में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता ही है कि कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी गुजरात में अभी तक कोई केस नहीं थे, तो अभी गुजरात में भी कुछ केस सामने आए हैं। इससे हमें थोड़ा सा डरना भी होगा, संयम बरतना होगा, अफवाहों से भी वंचित रहना होगा कि ये गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा विश्वास भी उचित नहीं है। कि मुख्य रूप से ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो गांव में रह रहे हैं तो उन लोगों से तो ये फैलने वाला नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, उनसे सीधे तौर पर नहीं फैलने वाला है। किंतु जो लोग दूसरे देश से आए हैं अथवा तो उनके संपर्क में आए हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हम किसी भी तरीके से आ जाते हैं तो हम कहीं भी रहते हों, हम तक ये वायरस अवश्य पहुंच सकेंगे, संभावना पूरी पूरी है। इसलिए हमें सचेत रहना है, तो इससे डरना भी नहीं है, हमें सामना करना होगा सचेत रह करके। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपना घूमने फिरने का कार्य है उसको कम कर दें, बहुत आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। जितना हम ध्यान रख सकेंगे उतना अच्छा होगा। हम लोगों ने भी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह सभी स्थगित कर दिए हैं। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम ऐसे आयोजित ही ना करें। सब लोग अपने अपने परिवार के साथ में रहें, जितना कम से कम लोगों के संपर्क में रह सकते हों तो वो अपनाना चाहिए। और ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम ना आए कि जो कहीं ना कहीं दूर दूर से घूम फिर करके फिर हमारे पास में पहुँचे हो, हमारे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो या हमारे निकट परिचित ही क्यों ना हो। इतना हम लोग ध्यान रखें। हम लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना अवश्य रखी है। इससे अतिरिक्त दूसरे सारे कार्यक्रम हैं, अस्पताल और इस प्रकार की सेवाओं को छोड़कर के तो सब बंद है। इसलिए दर्शनार्थियों से भी हमारी प्रार्थना है कि आप लोग घर में बैठ करके लाइव दर्शन करें। अति आवश्यक हो तो ही स्वयं विजिट करें, अन्यथा ये अभी तो भारत में ये महामारी का रूप नहीं ले पा रही है, अभी दूसरा स्टेज ही है। हमारे जैसे लोगों के माध्यम से ही जाने अनजाने में अनेक लोग इसके चपेट में आ जाएंगे, तो फिर ये तीसरे स्टेज में पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो फिर ये महामारी का रूप लेगा। तो इसको रोकना हमारे संयम पर है, हमारी समझ पर है। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से, सभी भक्तजनों से, पूरे देशवासियों से और पूरे जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग संयम में रहें, दूसरों के संपर्क से दूर रहें, अपने कार्य में मस्त रहें। परिवार के साथ में रहेंगे तो परिवार के प्रति भी अच्छा रहेगा। जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं वो पूर्ण करें, बाहर आना जाना नहीं करें, बहुत आवश्यक ना हो तब तक। तो इस प्रकार से हर कोई ध्यान रखेंगे तो ये वायरस आगे नहीं बढ़ेगा, इस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, तो सरकारी मशीनरी को सहयोग देना हम अपना परम कर्तव्य समझें। भारत के प्रधानमंत्री ने भी जनता से सहयोग मांगा है,
और रविवार को जन कर्फ्यू का आह्वान किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि इसका भी पालन करें। और यह महीना मार्च का महीना है, पूरा पूरा आप बाहर निकलने से बचें। किसी कार्यक्रम के आयोजन की तो बात दूरी रही, कार्यक्रम में सम्मिलित होने में या किसी रिश्तेदार से मिलने में या ऐसा कोई भी कार्य हो उसको टालते रहें। बहुत आवश्यक न हो तब तक घर से निकलने की भी आप टालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ये डराने की बात नहीं है। और दूसरी, लोगों ने कई अफवाह भी फैलाई है, हमें तो मालिक की दुआ होगी और कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये किसी को देखने वाले नहीं हैं, ऐसे वायरस हैं, वो किसी पर भी संक्रमित होंगे, इसलिए ऐसे भ्रम में आने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर दवा, ऐसी वैक्सीन या ऐसी कोई ढूंढी नहीं गई है, इसलिए अफवाहों में भी ना आए ज़्यादा डर करके, हर कोई चेक करवाने के लिए जाए तो वो भी व्यवस्था अभी देश के पास में नहीं है। इसलिए जिसको तकलीफ लगे, आप टीवी के माध्यम से, दूसरी मीडियाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया से आप लोगों को तरह तरह के अच्छे समाचार मिल रहे हैं तो उन पर ध्यान दें, और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें। ये हमारी आप सबसे नम्र अपील है। प्रणाम।